आरसीबी जिसकी फैन फॉलोइंग आईपीएल में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस टीम ने जिस तरह से आईपीएल के सीजन में प्रदर्शन किया है उसने अपने फैंस को बहुत ही निराश किया, और मानो इस साल भी आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस टीम ने शुरुआती मैचों में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसके पीछे की वजह टीम सिलेक्शन थी, क्योंकि इस टीम ने शुरुआती के मैचों में टीम सिलेक्शन में कुछ स्टार खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया था, क्योंकि जिस तरह आज के मैच में विल जैक्स ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी, ऐसे में सवाल उठता है कि आरसीबी ने विल जैक्स को शुरुआती मैचों में मौके क्यों नहीं दिए। गुजरात के खिलाफ विल जैक्स ने स्पिन से लेकर तेज गेंदबाजों तक सबके धागे खोल दिए, और जैक्स ने 41 गेंदों पर शतक बनाकर आरसीबी को शानदार मैच भी जिताया। लेकिन आपको बता दें, जैक्स की इस पारी के पीछे विराट कोहली का भी असली हाथ था, क्योंकि इस मैच में एक ऐसा वाक्य घटा जिससे मजबूर होकर विल जैक्स ने इस ताबड़तोड़ अंदाज को अपनाया। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ था पूरा मामला। दरअसल इस मैच में विराट कोहली ने बहुत ज्यादा सिंगल डबल लिए, जिससे विल जैक्स को थकान हो गई। एक समय तो ऐसा था जब विराट कोहली 3 रन लेने के लिए तैयार थे, लेकिन विल जैक्स ने विराट को मना कर दिया, और विल जैक्स ने विराट को कहा कि अब मैं छक्के चौकों से पारी को खत्म करूंगा, और ऐसा किया भी। विल जैक्स ने गुजरात के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया, और 31 पर उन्होंने 50 रन बनाए, और उसके अंतिम 10 गेंदों पर फिर से 50 रन जड़ दिए। अगर गुजरात के खिलाफ विल जैक्स की पारी की बात करें तो विल जैक्स ने 41 गेंदों पर शतक बनाया, जिनमें उन्होंने 5 चौके और 10 छक्के जड़े, और उनका स्ट्राइक रेट 243.90 का था। विल जैक्स ने गुजरात के खिलाफ तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को न केवल जीत दिलाई, बल्कि जैक्स की पारी से टीम का रन रेट भी सुधर गया। अभी अगर आरसीबी की बात करें तो टीम के पास प्लेऑफ में जाने का मौका है, लेकिन टीम के खिलाड़ियों को बाकी बचे मैचों में भी ऐसी ही ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी जैसा उन्होंने आज गुजरात के खिलाफ खेला, क्योंकि टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए ना केवल जीत चाहिए बल्कि जीत का अंतर भी कुछ शानदार हो। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आरसीबी ऐसा कमाल कर पाएगी या नहीं।